गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 7, सब्जेक्ट इज जियोग्राफी, चैप्टर नंबर 5, द नेम ऑफ द चैप्टर इज वाटर, पानी। वी विल रीड अबाउट द वाटर इन दिस चैप्टर। द वाटरी पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। पानी का जितना भी अंश हमारी इस पृथ्वी पर हमें दिखता है, जितना भी पानी का पोर्शन है, उन्हें हम हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द आइस शीट्स इन द पोलर एंड द हाई माउंटेन रीजन। ये इसमें आइस के बर्फ के वो चादरें भी आती हैं, शीट्स जो बिछी हुई हैं पोलर में, हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल वो पूरा बर्फ से ढका हुआ है, वो भी उसमें इंक्लूड है, आता है। और हाई माउंटेन जो ऊंचे पहाड़ हैं उसमें भी पूरी बर्फ जमी हुई है, वो वाले हिस्से भी हाइड्रोस्फीयर में ही इंक्लूड किए जाते हैं। अंडरग्राउंड वाटर, इस सतह धरती की सतह के नीचे, धरती के नीचे जो पानी है वो भी इसमें इंक्लूड का होता है। एंड वाटर वेपर इन द एयर, और हवा में सभी लोग जानते हैं एटमॉस्फेयर में हवा है, हवा में जो वाटर वेपर जलवाष्प की जो मात्रा है वो भी हाइड्रोस्फीयर कहलाती है। वाटर सपोर्ट ऑल द फॉर्म ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। पानी इस धरती पर, इस पृथ्वी पर पानी जो है वो सारे प्रकार के जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हों, सबको ये सपोर्ट देती है, सबको सहारा देती है, क्योंकि पानी जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। जितने भी इस संसार में, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, मनुष्य जाति है, एनिमल्स हैं, और जितने भी पेड़ पौधे हैं कि और बहुत ही छोटे जो जीव हैं, सूक्ष्म जीव भी हैं, उन्हें सबको पानी की आवश्यकता होती है। और ये पानी हमें इसी अर्थ पर ही मिलता है एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, और यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक संसाधन है। वाटर साइकिल, वाटर साइकिल इज कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मूवमेंट ऑफ द वाटर बिटवीन द अर्थ एंड द एटमोसफियर। ये पृथ्वी जिस धरती जहाँ पे हम लोग रहते हैं, और एटमोसफियर वो वातावरण, वातावरण क्या होता है, ऊपर से धरती की सतह का ऊपर का सारा वातावरण है। वातावरण में पूरी हवा है और ये कंटिन्यूस फ्लो है, मतलब लगातार चलने वाला फ्लो होता है पानी का, पानी की गति होती है, एक बार ये धरती पर और फिर धरती से एटमॉस्फेयर यानी कि वो हवा में चल जाती है और उससे फिर धरती पर आती है। इन दिस साइकिल, ये चक्र है, हाँ, पानी का ये चक्र है। इन दिस साइकिल वाटर मूव्स फ्रॉम द लैंड एंड ओशन टू द एटमॉस्फेयर। इसी चक्र में पानी क्या होता है, मूव करता है लैंड से, लैंड मतलब इस धरती, और ओशन समुद्र से। और ये एटमॉस्फेयर में जाता है यानी कि ये आसमान में चला जाता है, हवा में, वातावरण में मिल जाता है। एज द वाटर वेपर, पानी जलवाष्प के रूप में, ये जो जलवाष्प है, जलवाष्प के रूप में पानी एटमॉस्फेयर में मिल जाता है एंड रिटर्न्स एज ए प्रेसिपिटेशन, और प्रेसिपिटेशन के रूप में ही नीचे भी आ जाता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है पानी की बूंदे, पानी की वो बूंदे, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो बारिश के रूप में हो, चाहे ओस के रूप में हो, चाहे वो मिस्ट हो, फॉग हो, या रेनफॉल भी होता है और स्नोफॉल भी होता है, वो सारे प्रेसिपिटेशन के ही एक अंग है। सम ऑफ द वाटर रन्स ऑफ द लैंड टू द ओशन, को बहुत सारा पानी क्या होता है, लैंड से, लैंड मतलब धरती से समुद्र में चला जाता है। सम ऑफ द वाटर रन्स ऑफ द लैंड टू द ओशन, कुछ पानी होता है वो बह जाता है, धरती का पानी बह के समुद्र में चला जाता है। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन दिस वाटर साइकिल आर, जो भी प्रक्रियाएं इस पानी के चक्र में होती हैं वो कौन कौन सी हैं, देखिए, इवापोरेशन है जिसको वाष्पीकरण कहते हैं, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब वाष्प के रूप में जब पानी ऊपर चला जाता है, क्लाउड बन जाता है वो, और पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है ठंडा होकर। जलवाष्प जो गर्म रहता है वो ठंडा होकर जो छोटे छोटे पानी की बूंदों में बदलता है उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। एंड प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब वही बूंदे पानी के रूप में धरती पर फिर से आके गिरने लगती हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। एंड रन ऑफ, और पानी का बह जाना। अब ये देखिए वाटर साइकिल का एक
चित्र आपके सामने है, आप इसे देख के समझिए। यहाँ कंडेंसेशन हुआ है, पानी जो ऊपर गया, देखिए कंडेंसेशन हुआ है तो बादल बने, ये देख रहे हैं आप बादल बन रहे हैं। अच्छा, ये बादल जो है प्रेसिपिटेशन के रूप में देखिए नीचे आ रहे हैं, ये बारिश की बूंदों के रूप में ये नीचे आ रहे हैं। नीचे आकर किस में आते हैं, ये प्रेसिपिटेशन कहाँ आता है, ये धरती पे जो पानी के बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, वो चाहे समुद्र हो, चाहे लेक हो, वाटर रिवर हो, झील हो, सब में यहाँ पे ऐसे पानी इकट्ठा हो जाता है। ये सॉयल वाटर आप देख रहे हैं, देखिए सॉयल वाटर यहाँ पे रन ऑफ, ये धरती का पानी, देखिए ये धरती का पानी आके मिलता जा रहा है, समुद्र में मिलता जा रहा है, ये देखिए ये रन ऑफ हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि पेड़ पौधे, जितने भी धरती के पेड़ पौधे हैं, वो उनकी पत्तियाँ ट्रांसपिरेशन करती हैं, जलवाष्प निकालती हैं। तो ये जलवाष्प ट्रांसपिरेशन भी कहाँ जाता है, ये भी एटमॉस्फेयर में चला जाता है और बादल के रूप में बन जाता है। दूसरे हम ये देखते हैं, यहाँ पे भी देखिए आपको रन ऑफ दिखा रहा है, पानी जो है वो धरती का पानी समुद्र में मिलता हुआ। दूसरे हम लोग यहाँ पर इवापोरेशन देख रहे हैं। इवापोरेशन आपको क्या बताया कि सूर्य की गर्मी से ऊपरी सतह समुद्र का, चाहे झील का, चाहे वो रिवर का पानी वाष्पीकृत होता है, गर्म होके वो जलवाष्प में बनता है। और जलवाष्प बन के वो कहाँ जाता है, ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, अंतरिक्ष में, आसमान में चला जाता है, और आसमान में ये जाके फिर बादल बनते हैं, क्योंकि वहाँ जाके ये ठंडे हो जाते हैं, ठंडे होके ये बादल बनते हैं। बादल बनने के बाद ये बादल के बूंदे, फिर ये छोटी छोटी बूंदे जब भारी हो जाती हैं तो फिर बारिश के रूप में ये फिर नीचे आ जाती हैं। तो यही देखिए, ये एक सर्किल की तरह बन गया है, ये एक वाटर साइकिल है, ये एक पानी का चक्र ये चलता जा रहा है, यही वाटर साइकिल को हम लोग देखिए पढ़ रहे हैं। वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एवापोरेट ऑन हीटिंग एंड चेंजेस इनटू द वाटर वेपर फ्रॉम लिक्विड टू ए गैस। अब हम लोग क्या देखते हैं कि सरफेस पे, धरती की इस सतह पर, मैंने अभी आपको बताया, चाहे वो नदी हो, चाहे ओशन समुद्र हो, महासागर हो या लेक हो, वहाँ से पानी एवापोरेट होता है, वाष्पीकृत होता है, गर्म होता है, और वाष्प बनकर हीटिंग होके, गर्म होकर वाष्प बनकर वो जल वाष्प में बदल जाता है। इसका माने पानी जल वाष्प में बदला, लिक्विड गैस में बदल गया। अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द वाटर वेपर इज ऑब्टेंड फ्रॉम द ओशन। हम लोग ये जानते हैं कि करीब करीब 80% जो जल वाष्प है वो हम लोगों को वो प्राप्त कहाँ से होता है, ओशन से, यानी महासागर से, क्योंकि वाटर बॉडीज जो है सबसे बड़ी वाटर बॉडीज ओशन से, एंड द रिमेनिंग 20% फ्रॉम द इनलैंड वाटर एंड वेजिटेशन। और बाकी जो 20% का जल वाष्प बनने का बचा वो इनलैंड यानी अंदर, जो धरती के अंदर है पानी, जैसे आप इसको मान ले सकते हैं रिवर हो, पॉन्ड हो, लेक्स हो, ठीक है, या और भी कोई छोटी वाटर बॉडीज होते हैं, वहाँ उन सब से 20% पानी और वेजिटेशन, जितने भी वनस्पतियाँ हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सबसे जब ट्रांसपिरेशन होता है तो जलवाष्प के रूप में ये ऊपर जाता है। वाटर वेपर इज कैरिड अप इन द एयर वेयर इट कूल्स। जल वाष्प ऊपर चला जाता है हवा में, ऊपर आसमान में जाता है जहाँ ये ठंडा हो जाता है। वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कंडेंसेस, वहाँ पे ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद वाटर वेपर जलवाष्प जो है वो कंडेंसेस हो जाता है, जमने लगता है। चेंजेस बैक इनटू द लिक्विड स्टेट, वो बदल जाता है पानी में, जलवाष्प होता है गैस, फिर से पानी में बदल गया, एंड फॉर्म्स क्लाउड, और क्लाउड बनाता है, एंड फॉर्म्स क्लाउड, और बादल का निर्माण करता है, बादल बनाता है। व्हेन क्लाउड पार्टिकल्स गेट टू हैवी टू रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर दे फॉल बैक टू द अर्थ एज प्रेसिपिटेशन। और जब ये बादल के जो कण होते हैं वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, ये जो पानी में हवा, पानी के रूप में हवा में लटकते रहते हैं, सस्पेंडेड लटकते रहते हैं, तो जब ये बहुत भारी हो जाते हैं तो इस धरती पर प्रेसिपिटेशन यानी पानी के बूंदों में या बारिश के रूप में ये फिर से धरती पर गिर जाते हैं। प्रेसिपिटेशन ऑकर्स इन द वैरायटी ऑफ द फॉर्म, प्रेसिपिटेशन के कई प्रकार हैं, हेल,
rain, snow, sleet, fog, mist or dew. हेल, ये जो ओले पड़ते हैं, बारिश, स्नो, बर्फ पड़ती है, फॉग और मिस्ट जो कोहरा या धुंध हम लोग कहते हैं, और ड्यू, ड्यू का मतलब होता है ओस की बूंदें. This we can also define the water cycle as the circulation of the water in the different forms between the major rim of the earth, that is the land, water bodies and atmosphere. इस प्रकार हम लोग ये कह सकते हैं कि जो वहाँ पानी का चक्र है वो circulation of the water, यानी कि पानी धरती से लेकर फिर आसमान पे जाता है और फिर आसमान से धरती पर आता है. ये जो सर्कुलेशन, ये जो चक्र चलता रहता है इन डिफरेंट फॉर्म, विभिन्न इनके रूपों में, बिटवीन द मेजर रेम ऑफ द अर्थ, हमारा जो ये धरती है, धरती के स्वरूप में ये पानी धरती से ऊपर जाना और फिर आसमान से नीचे आना आता है, इसे ही हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं. जैसे कि देखिए, लैंड, लैंड वाटर बॉडीज, लैंड मतलब धरती, वाटर बॉडीज पानी, और एटमॉस्फियर वातावरण. नेक्स्ट ओशियन वाटर, ओशियन का मतलब होता है महासागर का पानी. ओशियंस मेक अप टू 90% ऑफ द अर्थस वाटर एंड कनेक्टेड विथ वन अनदर. महासागर का जो पानी है वो 97% है, 97% है इस पूरे संसार के पानी का, और ये कनेक्ट होता एक दूसरे से, कनेक्टेड है एक दूसरे से, वो मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है. ओशियन वाटर आर इंटरस्पर्स्ड विद द मेनी स्मॉलर मैरीन बॉडीज लाइक सी, गल्फ एंड बीच. और ये जो ओशियन का पानी है, ये महासागर का पानी है, वो छोटे छोटे वाटर बॉडीज यानी कि छोटे पानी के जो स्वरूप में बदलते हैं, इसको समुद्र भी कहते हैं हम लोग, गल्फ, बे, खाड़ी कहते हैं. लुक एट द वर्ल्ड मैप एंड द लोकेशंस वेरियस, लुक एट वेरियस स्मॉलर मैरीन बॉडी दैट लाइज बिटवीन द ओशियंस. अब हम लोग अगर पूरे धरती का और पूरे संसार का हम लोग अगर नक्शा देखते हैं तो हम लोगों को पता चलेगा, एटलस में देखिए या कहीं भी देखिए, तो हम लोग देखेंगे कि जितने भी ओशंस हैं, जितने भी महासागर हैं, वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे मिले हुए हैं, और कौन सी मैरीन बॉडीज़ है, कौन सी पानी की बॉडीज़ उनके बीच में बहती हैं. सैलिनिटी ऑफ द ओशन वाटर, महासागर के पानी का नमकीनपना, सैलिनिटी माने नमकीन, नमक. ओशन वाटर इज द सैलिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द डिजॉल्व सॉल्ट. पानी ओशन महासागर में बहुत जगह से पानी आके गिरता रहता है और वो नमकीन इसलिए होता है, ओशन का वाटर इसलिए नमकीन होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में नमक घुला हुआ होता है. मोस्ट ऑफ इट इज सोडियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट. इसमें कौन सा सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग साधारण नमक कहते हैं. इट इज एस्टिमेटेड दैट एवरी 1000 ग्राम ऑफ द ओशन वाटर हैज द 35 ग्राम ऑफ द डिजॉल्व सॉल्ट. यह माना जा रहा है, एस्टिमेटेड अंदाजा लगाया जाता है कि 1000 ग्राम का अगर पानी ले लेते हैं हम लोग, महासागर का पानी ले लेते हैं, उसमें 35 ग्राम का सॉल्ट, नमक घुला रहता है. दस द एवरेज सैलिनिटी इज 35 per 1000. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पर 1000 ग्राम में आप लोगों को 35% का नमकीन पानी, नमकीन मिलता है या नमक मिलता है. अमाउंट ऑफ द सैलिनिटी वेरीज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ओशन टू द अनदर. और पानी की जो ये नमकीन पना है ये हमेशा बदलती रहती है, किसी ओशन के एक छोर से दूसरे छोर में. ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे संसार में जितने भी ओशंस हैं उसका पानी एक ही प्रकार से नमकीन हो, कहीं ज़्यादा या कहीं कम भी हो सकता है. डेड सी इन द एशिया हैज़ ए हाईएस्ट सैलिनिटी. डेड सी, एशिया का जो डेड सी मृत सागर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा नमकीन पानी है, नमक है. इन जनरल सैनिटी डिक्रीजेस टूवर्ड्स द इक्वेटर ड्यू टू द हैवी रेनफॉल. और हम लोग ये कह सकते हैं कि सैलिनिटी, नमकीन, नमक जो होता है वो कम होता जाता है, इक्वेटर की तरफ कम होता जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है. टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर, ओशन वाटर महासागर के पानी का टेम्परेचर यानी कि उसका तापमान,
Like land masses, temperature of the ocean water varies from one place to another. जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि धरती के किसी जगह पर ज़्यादा गर्म या किसी जगह पर ज़्यादा ठंडक होती है, उसी प्रकार से ओशन का वाटर, महासागर का भी पानी, कहीं पर उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है. Both at the surface and at the depth. अब चाहे वो आप सरफेस सतह पर देख लीजिए, चाहे डेप्थ यानी कि गहराई में. ओशन वाटर इज हॉटेस्ट नियर द इक्वेटर. इक्वेटर यानी विषुवत रेखा जो 0 डिग्री पर है, जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, वहाँ का पानी ज़्यादा गर्म रहता है. एंड डिक्रीजेस पोल वर्ल्ड. और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से दूर, विषुवत रेखा से दूर चले जाते हैं, पोलर एरिया में चले जाते हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ चले जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है, तापमान घटता जाता है, यानी कि वो तापमान बहुत ही ज़्यादा पोल में कम हो जाता है. इन दिस कॉन्टेक्स्ट यू मस्ट रिमेम्बर अ फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट. और इस संदर्भ में हम लोग कुछ पॉइंट्स को पढ़ के समझेंगे. हाइएस्ट टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड इन द इनक्लोज ट्रॉपिकल एरिया. ट्रॉपिकल एरिया सी में, समुद्र, ट्रॉपिकल समुद्र में जो इनक्लोज रहता है या चारों तरफ से घिरा रहता है पानी, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, वहाँ का तापमान ज़्यादा होता है. टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द डेप्थ इन द ओशंस. और जैसे जैसे हम लोग समुद्र की गहराई में जाते रहते हैं, तापमान कम होता जाता है. बिकॉज द सनलाइट पेनिट्रेट्स ओनली टू द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द 30 मीटर. क्योंकि पेनिट्रेट मने भेदना, जो सनलाइट है, सूर्य की जो गर्मी है, सूर्य का जो धूप है, वो सिर्फ 30 मीटर की गहराई तक ही भेद कर वो जा सकता है. टेम्परेचर वेरिएशन बिटवीन द समर एंड विंटर आर ग्रेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन इन द सदर्न हेमिस्फीयर. टेम्परेचर जो होता है वह वेरिएशन होता है. वेरिएशन का मतलब ऊपर नीचे होना, कहीं ज़्यादा कहीं कम होना. बिटवीन द समर एंड विंटर, किसके बीच में, गर्मी के और जाड़े के मौसम जब होता है तो टेम्परेचर, तापमान में वेरिएशन आता है, विभिन्नता आती है. आर ग्रेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन द सदर्न हेमिस्फीयर. और ये वेरिएशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा आती है वनस्पत की सदर्न हेमिस्फीयर की. ड्यू टू द वास्ट एक्सपांशन ऑफ द वाटर ऑन द सदर्न हेमिस्फीयर. क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में पानी का फैलाव बहुत ज़्यादा है. नेक्स्ट, द ग्रेटर द सैलिनिटी द हायर द टेम्परेचर ऑफ द ओशन. और जितना नमक पानी में घुला रहेगा, जितनी नमकीन होगा वो पानी, टेम्परेचर उतना ही हाई होगा, टेम्परेचर, तापमान उतना ही ज़्यादा होगा किसी भी ओशन का. एज सॉल्ट एब्जॉर्ब मोर हीट. क्योंकि जो नमक जितना अधिक होता है, नमक हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है. ओशन वाटर सर्कुलेशन. अब देखिए, पानी का जो ओशन, महासागर के ही पानी का सर्कुलेशन होता है, घूमता है वो. लाइक द सर्कुलेशन ऑफ द एयर, वाटर ओशन, ओशन वाटर ऑल्सो सर्कुलेट. जैसे कि हम लोगों ने देखा कि पानी, हवा जो होती है एटमॉस्फेयर में घूमती रहती है, एक सर्कुलर वे में घूमती रहती है, चक्र बनाती है, उसी प्रकार से महासागर में भी पानी का ऐसे ही चक्र बनता है, घूमता है. रेज ऑफ द सन डू नॉट फॉल इक्वली ऑल ओवर द अर्थ. सन, सूरज की धूप, सूरज की किरणें पूरे धरती पर एक समान रूप से, समरूपता से नहीं पड़ती. दे आर मैक्सिमम एट द इक्वेटर. अभी मैंने बताया कि सूर्य की धूप सबसे ज़्यादा इक्वेटर पर पड़ती है, जिसे हिंदी में विषुवत रेखा कहते हैं, जो 0 डिग्री पर स्थित है, और वहाँ पर मैक्सिमम पड़ती, गर्म ही होती है वो. क्यों? मिनिमम एट द पोल्स. और पोल्स में कम होती है. सीधी किरणें विषुवत रेखा पर या इक्वेटर पर पड़ती है, जिससे गर्मी ज़्यादा होती है. और पोल की तरफ जैसे जैसे हम लोग जाते हैं, सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं और तापमान कम हो जाता है. दिस लीड टू द लार्जर टेम्परेचर स्लोप बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स. और इसी वजह से टेम्परेचर स्लोप करता है, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाता है. जितना हम लोग इक्वेटर के पास जाएंगे, टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा अधिक रहेगा. और धीरे धीरे जैसे हम लोग पोलर एरिया में, जैसे दक्षिण का पोल है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जाएंगे, वहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल ही 0 डिग्री तक पहुँच जाता है, तापमान 0 डिग्री पर पहुँच जाता है और बहुत ठंडक होती है. इसका कारण अभी मैंने बताया आपको कि सूर्य की किरणें साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर तिरछी पड़ती हैं.
वाटर कॉन्स्टेंटली चेंजेस फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन द ओशंस. पानी जो है हमेशा कॉन्स्टेंटली लगातार बदलता रहता है, अपना रूप बदलता रहता है और ओशंस के बीच में सर्कुलेट करता है यानी घूमता रहता है. एटमोस्फियर एंड लैंड, पानी जो है ओशन महासागर, एटमोस्फियर वातावरण, लैंड धरती, इसी के बीच में सर्कुलेट करता है, घूमता रहता है. दिस मूवमेंट्स ऑफ द वाटर इन द ओशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू थ्री. ये जो मूवमेंट है पानी का, ये जो गति है, ये जो चाल है ओशन में, इसको हम लोग तीन बड़े भागों में बांटते हैं. वे हैं वेव्स, टाइड्स और ओशन करेंट. वेव होता है लहरें, लहरों को हम लोग वेव कहते हैं. टाइड्स ज्वार भाटा, आपने नाम सुना होगा. और वो ओशन करेंट्स यानी समुद्र की धाराएं, महासागर की धाराएं को करेंट्स कहते हैं. वेव्स, पहले हम लोग वेव्स पढ़ेंगे. लहरें, व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेज एंड फॉल अल्टरनेटिवली दे आर कॉल्ड द वेव्स. जब धरती के सतह पर, ओशन के सतह पर, महासागर के सतह का पानी ऊपर और नीचे गिरता है, ऊपर राइजेज, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है अल्टरनेटिवली बारी बारी से, तो इसे हम लोग लहरें कहते हैं, वेव्स कहते हैं. द ओशन सी एंड ओशन वेव्स आर जनरली जनरेटेड बाय द फोर्स ऑफ द ब्लोइंग विंड. ये समुद्र में लहरें कैसे होती हैं? समुद्र में लहरें, पानी की जो लहरें बनती हैं वो ब्लोइंग विंड से उठती हैं, चलती हुई हवा से. जैसी जैसी हवा चलती है, जैसे उसी प्रकार से ये लहरें बनती हैं. द वेव्स कैन ऑल्सो बी जनरेटेड बाई द टाइड्स. और वेव जो हैं ये किससे बनती हैं? टाइड से, ज्वार भाटा से ये लहरें बनती हैं. वोल्केनिक एक्टिविटी, वोल्केनिक एक्टिविटी का मतलब ज्वालामुखी के कारण. एंड अंडर सी अर्थक्वेक, और समुद्र के अंदर जो अर्थक्वेक होता है, जो भूकंप आता है, उससे भी ये लहरें बनती हैं. वेरी स्ट्रॉन्ग विंड कैन ऑल फॉर्म ह्यूज वेव्स इन द ओशन. बहुत ज़्यादा तेज हवा, जब बहुत तेज हवा चलती है तो उससे ह्यूज वेव्स, बहुत बड़े बड़ी लहरें उठती हैं. कहाँ पे? ओशन में, सागर में. अभी हम लोग इसको देख लेते हैं. ये देखिए, यहाँ पर वेव्स, वेव्स की पिक्चर है और वेव्स के बारे में देखिए बताया गया है. ये वाटर का लेबल है, ये आपको दिख रहा है, ये जो रेखा आपको दिख रही है ये वाटर का लेबल है. और ये कैसे, ये देखिए, एक बार ऊपर जाती है, राइज होती है, और ये फिर नीचे जाती है, फिर ये ऊपर जाती है, फिर ये नीचे जाती है. तो ये जो ऊपर जा रही है उसको क्रेस्ट कहते हैं, ठीक है. जो पानी की लहरें जब ऊपर जाती हैं तो दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट. और जब ये नीचे, देखिए ऊपर नीचे घाटी की तरह बन जा रही है, तो उसको कहते हैं ट्राउट. और ये है इक्विलिब्रियम वाटर लेवल, पानी की सतह. ये पानी की सतह है, देखिए पानी की सतह ये है. इक्विलिब्रियम बराबर, इक्विलिब्रियम मतलब बराबर पानी की सतह ये है. और ये लहरें एक बार ऊपर जा रही हैं, फिर नीचे आ रही हैं, फिर ऊपर जा रही हैं. पानी की सतह ऐसे ही बनी रहती है. और इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड. और वेवलेंथ किसे कहते हैं? एक वेव के क्रेस्ट से, एक वेव के क्रेस्ट से दूसरे वेव के क्रेस्ट की जो बीच की जो ये दूरी है, बीच की जो ये लंबाई है, ये टॉप पार्ट कहलाता है ना, क्रेस्ट जो टॉप पार्ट, ये क्रेस्ट कहलाता है. इसको कहते हैं हम लोग वेव लेंथ. अब ये क्या हो, वेव लेंथ क्या है? हॉरिजेंटल होता है. हॉरिजेंटल मतलब ऐसे, इस तरह से हॉरिजेंटल ये वेव लेंथ है. और वेव का हाइट कैसे होता है? हाइट, हाइट माने ऊंचाई. वेव की ऊंचाई देखिए, सबसे ऊंचा कहाँ से गया? यहाँ से. और इक्विलिब्रियम के नीचे इस जगह से हम लोग इसको नापते हैं, तो ये वेव की हाइट बताता है, मतलब उस लहर की ऊंचाई बताता है. द टॉप पार्ट ऑफ द वेव इज कॉल्ड इट्स क्रेस्ट. अभी आपको फिगर में बताया है, जो टॉप पार्ट होता है लहरों का, जो ऊपर का पार्ट होता है, उसे हम लोग क्रेस्ट कहते हैं. और वाइल द बॉटम पार्ट इज कॉल्ड द ट्राउट. और जो नीचे का पार्ट होता है उसे ट्राउट कहते हैं, ठीक है ना. ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया था फिगर वो दिखा के. द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट एंड द कॉन्सिक्यूटिव ट्राउट इज कॉल्ड द वेव लेंथ. ये वेव लेंथ कहलाता है, जो डिस्टेंस है इसकी बीच की दूरी,
आपको हॉरिजेंटल के रूप में जो दूरी आपको दिखा रहे हैं उसे वेव लेंथ कहते हैं. द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड द ट्राउ इज कॉल्ड द वेव हाइट. वेव हाइट मैंने बताया आपको, जो क्रेस्ट से लेकर ट्राउ तक की जो हाइट होती है, जो ऊंचाई होती है, उसे हम लोग वेव हाइट कहते हैं. द टाइम टेकन बाय द टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट टू पास एनी फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द वेव पीरियड. और जो समय लगता है, एक ये जो समय लगता है दो क्रेस्ट के बीच में जाने में, जितना समय लगता है, एक ये क्रेस्ट हुआ एक ये क्रेस्ट, ऐसे जाने के जितने समय लगता है उस फिक्स पॉइंट को कहते हैं वेव पीरियड. द वेव्स कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन द डीप वाटर विद द लिटिल चेंज इन द शेप एंड द स्पीड. वेव्स जो ये लहरें होती हैं वो बहुत दूर तक चलती हैं, बहुत डीप वाटर में, जो गहरे पानी में बहुत दूर तक ये चलती हैं और उसमें बहुत कम चेंज होता है. मतलब उनकी लहरें जिस प्रकार की होती हैं, उनका शेप जैसा होता है, उनका स्पीड, शेप और स्पीड, उनकी जो रफ्तार होती है, उनका जो शेप आकार होता है, वो बहुत कम चेंज होता है जहाँ पर पानी बहुत ही गहरा होता है. इन द शैलो वाटर, जहाँ पे उथला पानी होता है, हाइट ऑफ द वेव इंक्रीजेस. उथला पानी यानी किनारे के किनारे पर आके ये लहरें बहुत बढ़ जाती हैं, ऊंची हो जाती हैं. लेंथ, हाइट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द वेव डिपेंड्स अपॉन द फोर्स ऑफ द विंड. और किसी भी लहर की हाइट, उसकी ऊंचाई, उसकी लंबाई और उसकी ताकत, जितना ताकतवर वो लहरें हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि पानी पे हवा का कैसा फोर्स है, हवा की कितनी रफ्तार है, हवा कितनी तेजी से चल रहा है. हाइट एंड द पावरफुल वेव्स मूविंग एट द ग्रेट स्पीड. जो हाई, बहुत ऊंची ऊंची और बहुत ज़बरदस्त जो तेज लहरें होती हैं, वो लहरें जो हैं बहुत स्पीड में चलती, बड़ी रफ्तार में चलती हैं. मे कॉज ट्रेमेंडस रिस्ट्रिक्शन ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द कोस्टल एरिया. और कोस्टल एरिया माने समुद्र तट के किनारे पर जितनी भी चीज़ें हैं उसको वो विध्वंस कर देती हैं, चाहे वो लाइफ हो, लोगों का जीवन, चाहे लोगों के घर है, मकान है, दुकानें हैं, छोटी झोपड़ियां हैं, या कोई भी सामान अगर वहाँ होता है तो ये लहरें अपनी चपेट में ले लेती हैं और लहरें ऊपर जाके सारा चीज़ों को समुद्र में लेकर चली जाती हैं. इस तरह से जान माल का बहुत नुकसान होता है. As earthquake, the volcanic eruption and the underwater landslide also affect the height of the waves. जैसे earthquake होता है, भूकंप होता है, उसी प्रकार से volcanic eruption, ये भूकंप उसी प्रकार होता है, volcanic eruption, ज्वालामुखी का फूटना, underwater landslide, अंडर पानी के नीचे लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन होता है, वो भी लहरों की ऊंचाई पर इफेक्ट करता है, अपना प्रभाव डालता है. सच फेनोमेना कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ द ओशन वाटर thereby causing the बच वेव्स टू बी formed. सच फेनोमेना कैन शिफ्ट द लार्ज अमाउंट ऑफ द ओशन वाटर thereby causing the बच वेव्स टू बी formed. इस प्रकार की फेनोमेना, प्राकृतिक घटना जो होती है, कैन शिफ्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा पानी, ओशन का पानी जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, जिससे कि बज वेव्स टू बी फॉर्म, यानी बज वेव्स का मतलब होता है अपने अपने स्थान से सरकना. तो ये जो वेव्स हैं वो बनते हैं, बज वेव्स बनते हैं, जो अपने स्थान से दूसरे स्थान को पर चली जाती हैं. मोस्ट ओशन वेव्स आर कॉज्ड बाय द विंड. जो बहुत सारा जो ये ओशन में ये जो लहरें बनती हैं, इसका कार मुख्य कारण हवा है, विंड है, पवन, दैट इज ब्लोन अक्रॉस द सरफेस ऑफ द वाटर. और ये जो पवन है, ये हवा, ये पूरे पानी के सतह पर बहती रहती है. बट समटाइम जायंट सी वेव्स कॉल्ड सुनामी आर कॉज्ड अंडर वाटर अर्थक्वेक वोल्केनिक इरप्शन और लैंडस्लाइड. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, बहुत ही तेज ताकतवर लहरें उठती हैं और उसे कहते हैं सुनामी. और ये क्यों होता है, ये सुनामी क्यों आती है, अंडर वाटर अर्थक्वेक, पानी के नीचे, समुद्र के नीचे अर्थक्वेक हो जाता है, भूकंप आ जाता है, वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है, ज्वालामुखी का फटना या भूस्खलन हो जाता है. तो इससे भूस्खलन का मतलब होता है कि धरती के जो प्लेट्स हैं, धरती की जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, वो खिसक जाती हैं, इसके कारण सुनामी आती है.
सुनामी इज अ जापानीज वर्ड. जो सुनामी क्या है, एक जापान का शब्द है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स. एज द हार्बर गेट डिस्ट्रॉयड वेन एवर देयर इज अ सुनामी. हार्बर वेव, हार्बर भी पोर्ट को हार्बर कह रहे हैं. पत्तन, और ये जो पत्तन होता है पूरी तरह से समुद्र पत्तन जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो जाता है, पूरी तरह नष्ट हो जाता है जब भी ये सुनामी आती है. द सुनामी कैन कॉज 10 to 30 meter हाई वेव्स. सुनामी से 10 से लेकर 30 मीटर ऊंची तक लहरें होती हैं. विच टू काम इन द डीपर सी बट कैन चेंज ग्रेट डैमेज एट द सी शोर. जो समुद्र के जो बिल्कुल गहराई में तो शांत रहती हैं, लेकिन ये जब सी शोर या समुद्र के किनारे आती हैं तो विध्वंसात्मक रूप ले लेती हैं और पूरा ग्रेट डैमेज, पूरी तरह से विध्वंस कर देती हैं, पूरी तरह से नष्ट कर देती हैं. बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचता है. सी शोर, समुद्र के किनारे, सड़कों पर जितनी भी गाड़ियां रहती हैं और जितने भी दुकान हैं, छोटे मोटे जो घर हैं, सबको ये सुनामी की लहरें नुकसान पहुँचाती हैं. केस स्टडी, हम लोग एक केस को देख के पढ़ते हैं. 2004 इंडियन ओशन सुनामी. भारत के भारतीय इंडियन ओशन में आया था, सुनामी आया था. द एशियन सुनामी विच ऑकर्ड इन द 26 December 2004 वॉज जनरेटेड बाई ए ग्रेट अंडर वाटर अर्थक्वेक. 26 December 2004 ईस्वी में भारत के पास इंडियन ओशन है, वहाँ उस महासागर में सुनामी आई थी और उसका कारण क्या था, अर्थक्वेक था. धरती के नीचे यानी सॉरी पानी के नीचे, समुद्र के पानी के नीचे अर्थक्वेक भूकंप आया था. इंडियन ओशन अर्थक्वेक उसे कहा जाता है और सुनो ने सुमात्रा अंडमान अर्थक्वेक. वो उसी क्षेत्र में है. अंडमान का नाम सुना होगा, सुमात्रा भी एक टापू है, आईलैंड है, उसी के पास अर्थक्वेक आया था. The epicenter of the earthquake was off the west coast of Sumatra in Indonesia. और इसका epicenter, इसका जो केंद्र था वो सुमात्रा, इंडोनेशिया के पास सुमात्रा का ही वेस्ट कोस्ट था, यानी दक्षिण पश्चिमी उसका किनारा समुद्र तट में. द मैग्नीट्यूड वॉज 9.0 ऑन द रिक्टर स्केल. और रिक्टर स्केल पर नापने से ये 9.0 नापा गया, जो बहुत ही ज़्यादा विध्वंस करता है, जो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है. अर्थक्वेक कॉज द सीरीज ऑफ द सुनामीज. और उस अर्थक्वेक से, उस भूकंप से बहुत सारे सुनामी की लहरें आई थी. दैट डिवास्टेड द कोस्ट ऑफ द मोस्ट लैंड मासेस बॉर्डरिंग द इंडियन ओशन. और इंडियन ओशन के बॉर्डर में जितने भी कोस्ट थे, जितना भी समुद्र तटीय क्षेत्र था, सबको भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा था. एशियन सुनामी हैज़ बीन वन ऑफ द डेडलीस्ट डिजास्टर इन द मॉडर्न टाइम. इस मॉडर्न टाइम में ये जो आधुनिक समय में सुनामी, एशियन सुनामी जो आया था वो बहुत ही ज़्यादा घातक था. डेडलीस्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा घातक था और बहुत ही ज़्यादा ये डिजास्टर विपदा थी समुद्र तट के लोगों के लिए और एक ये विध्वंस किया था. इट किल्ड लार्ज नंबर ऑफ द पीपल. बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की जान गई. इन अनडेटेड कोस्टल एरियाज अक्रॉस द साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, जो साउथ में और साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी क्षेत्र थे, जितने भी जगह थी, सबको नुकसान पहुंचा, इंक्लूडिंग जहां पे देखिए इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और भारत, इंडिया, इतनी जगह पे बहुत ही ज़्यादा विध्वंस हुआ था. और कोस्टल एरिया को एरियाज ऑफ द साउथ ईस्ट, साउथ एशियन कंट्रीज लाइक मलेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव्स एंड द ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज इन द लाइक सोमालिया, केनिया, तंजानिया, मेडागास्कर ऑल्सो सफर द सीरियस डैमेज. इतनी सारी जगह में, मलेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव्स में भी हुआ था और अफ्रीकन कंट्री में, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री में भी, जहाँ पे सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मेडागास्कर, इसमें भी सफर सीरियस डैमेज, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विध्वंस हुआ था, बहुत ही ज़्यादा तोड़फोड़ हुई थी और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा था. इन इंडिया द कोस्टल एरियाज ऑफ द आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड वर मोस्ट अफेक्टेड. और हमारे भारतवर्ष में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार का जो द्वीप है, मोस्ट अफेक्टेड, सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र थे.
Indira Point in the Nicobar Island, which was the southernmost point of India, was completely submerged as there were few other island. Indira Point है Nicobar Island का, ये Indira Point जो है सबसे southernmost का मतलब सबसे आखिरी दक्षिण का वो केंद्र माना जाता है भारत का, वो पूरी तरह से सबमर्ज यानी पूरी तरह से पानी से ढक गया था, पूरी तरह पानी से जलमग्न हो गया था। नेक्स्ट हम लोग टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइड्स ज्वार भाटा आपने नाम सुना होगा। और विजिट टू द सी साइड शो द सी वाटर ग्रेजुअली राइजेज अप फ्रॉम द बीच ड्यूरिंग द सर्टेन पार्ट ऑफ द डे एंड सम टाइम इट रिसीड्स और इट्स विद द फॉल इन द लेवल। कभी कभी जब भी आप समुद्र के किनारे आप जाके खड़े हो जाते हैं तो समुद्र के किनारे बीच पर आपको दिखता है कि पानी की लहरें जो हैं वो कुछ ऊंचाई तक जाती हैं। दिन में आप दिन के समय में आप पूरे टाइम रहेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बीच में समुद्र का किनारे पर पानी धीरे धीरे ग्रेजुअली क्रमशः धीरे धीरे ऊपर उठता रहता है एंड इट रिसीड्स और ये फिर पीछे भी चला जाता है। पानी ऊपर आता है और फिर नीचे आता है। जो जिन भी बच्चों ने समुद्र के किनारे आप गए होंगे, बीच में गए होंगे समुद्र के किनारे, उन बालू पर आप खड़े होंगे, देखिए पानी धीरे धीरे ऊपर आता है फिर धीरे धीरे पानी पीछे समुद्र में चला जाता है। दिस अल्टरनेट राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ द सी वाटर पीरियोडिकली एवरी 6 आवर इज कॉल्ड टाइड। और यही अल्टरनेट मतलब बारी बारी से पानी का ऊपर आना और फिर नीचे जाना, ये पीरियडिकली होता रहता है, बराबर से टाइमली होता रहता है हर 6 घंटों पर। इसको हम लोग टाइड कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। इन द डे दिन में वी हैव टू फ्लोस टाइड और द हाई टाइड और टू एब टाइड और द लो टाइड। हर दिन में हम लोग जो 12 घंटे का टाइम है 6 बार 2 बार फ्लो हाई टाइड आएगा और 2 बार लो टाइड आएगा। अब देखिए हर 6 घंटे पर आएगा तो 4 बार होगा, 6 घंटे पर 2 बार लो टाइड 2 बार हाई टाइड, तो 6 × 4 = 24। 24 घंटे में आपको 4 बार आपको दिखाई देगा हाई टाइड और लो टाइड। टाइड्स आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून एक्सर्टेड ऑन द ओशन वाटर। अब टाइड आता क्यों, ये ज्वार भाटा क्यों आता है? ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण है सूर्य और चंद्रमा की ग्रेविटेशनल पुल यानी गुरुत्वाकर्षीय खिंचाव के कारण। दोनों में देखिए आप सब जानते हैं कि सूर्य में और चंद्रमा में एक गुरुत्वाकर्षण का, एक खिंचाव का, एक उनके अंदर एक शक्ति है, तो उसी दोनों का मिक्स होकर चंद्रमा का और सूर्य का जो ग्रेविटेशनल पुल जो खिंचाव होता है तभी ओशन के वाटर में ये प्रभावित करता है तो हमारा टाइड आता है, ज्वार भाटा आता है। इफेक्ट ऑफ द मून इज मोर प्रोनाउंस्ड बिकॉज इट इज क्लोजर टू द अर्थ। लेकिन हमें यह जानने की जरूरत है कि चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा प्रभावकारी है। उसका कारण क्या है कि हमारा सूर्य से ज्यादा पास चंद्रमा है हमारे पृथ्वी के। द मून एंड द सन एक्सर्ट देयर कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल इन द सेम डायरेक्शन रिजल्टिंग द एक्स्ट्रा हाई टाइड। चंद्रमा और सूर्य का एक साथ उन लोगों का मिक्स होकर एक साथ कंबाइन होकर ग्रेविटेशनल पुल होता है, गुरुत्वाकर्षणीय खिंचाव जब सेम डायरेक्शन होगा एक ही दिशा में होगी तो इससे एक्स्ट्रा हाई टाइड, ज़्यादा हाई टाइड होने लगेगा, दूर तक ज्वार भाटा आने लगेगा। दीज आर नोन एज स्प्रिंग टाइड, इसे हम लोग स्प्रिंग टाइड कहते हैं। इन द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टर ऑफ द मून द सन एंड द मून आर एट द राइट एंगल। और पहले और तीसरे चरण में चंद्रमा जो है वो सही लाइन में आ जाएगा, एक राइट एंगल पर आ जाता है विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ, अर्थ के साथ। दे न्यूलीफाई ईच अदर्स ग्रेविटेशनल पुल, और ये क्या करते हैं जब ये सीधे पर आ जाएंगे तो चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे के न्यूलीफाई करना मतलब एक दूसरे को निष्क्रिय कर देते हैं, उसकी ग्रेविटेशनल पुल को वो निष्क्रिय कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। एंड दिस रिजल्ट ए वेरी लो टाइड, इससे लो टाइड आता है जिसको हम लोग कहते हैं नीप टाइड। इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइड, टाइड ज्वार भाटा के क्या उसके महत्व है, क्या ये ज्वार भाटा हम लोगों के लिए कुछ उपयोगी है या नुकसानदेह है या इसका क्या महत्व है।
टाइड्स हैव द ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस स्पेशली फॉर द फिशिंग एंड शिपिंग इंडस्ट्री. जो टाइड्स आते हैं, जो ज्वारभाटा होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इसका महत्व है फिशिंग में. फिशिंग मैंने मछली पकड़ने की उसमें मत्स्य के इंडस्ट्री के लिए और शिपिंग शिपिंग के लिए, जो शिप का जो कारोबार होता है इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है. हेवी फ्रेटर्स कैन एंटर द शैलो पोर्ट ओनली एट द हाई टाइड व्हेन द वाटर इज डीपेस्ट. जब पानी बहुत गहरा रहता है तो हैवी फ्रेटर्स जो जहाज पानी के जो जहाज होते हैं वो अंदर शैलो वाटर में शैलो पोर्ट में आराम से अंदर चले आते हैं हाई टाइड के समय. और फिशिंग बोट आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइडल वाटर. और फिशिंग बोट जो होते हैं जिस पर फिशिंग बोट पे जो लोग फिशिंग करने निकलते हैं, मछली पकड़ने के काम में निकलते हैं मछुआरे, उनके लिए भी राइज और फॉल जो टाइडल वाटर है ज्वार भाटे से पानी का ऊपर या नीचे जाने से भी उनको सहायक होता है. टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस ड्यूरिंग द हाई टाइड इज इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ द एनर्जी विच नेवर गेट्स एग्जॉस्टेड. और टाइडल एनर्जी के द्वारा उसको हार्नेस करके उसको पकड़ के उससे बिजली बनाई जाती है, उससे तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं जो कि कभी न खत्म होने वाला, ए नेवर एग्जॉस्टेड, कभी न खत्म होने वाला ये नेचुरल रिसोर्सेज है. ओशन करेंट, ओशन करेंट का मतलब होता है सागर में या महासागर की धाराएं. स्ट्रीम्स ऑफ द ओशन वाटर कंस्टेंटली फ्लोइंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन आर कॉल्ड द ओशन करेंट. महासागर में जो पानी का फ्लो होता है, पानी की जो धारा चलती है डेफिनेट डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में, उसे हम लोग ओशन करंट या महासागर की धाराएं कहते हैं. ओशन करंट्स मूव विद इन द ओशन. ओशन करंट जो होती है इसकी जो महासागर की धारा है वो उसी महासागर में घूमती रहती हैं. कैन बी हॉरिजेंटल और वर्टिकल. ये हॉरिजेंटल या वर्टिकल, वर्टिकल मैंने सीधी, हॉरिजेंटल मैंने ऐसी आड़ी तिरछी चलती रहती हैं. दे क्रिएट ए सर्कुलर सिस्टम इन द ओशन. सर्कुलर सिस्टम ये ऐसे गोला सा, जैसे सर्कुलर, एक तरह का सर्किल की तरह ये बनाती है, विच बाई विच हीट इज एक्सचेंज बिटवीन द लो लैटिट्यूड टू द हाई लैटिट्यूड. जब ये गोलाकार रूप में ये समुद्र की धाराएं घूमती हैं तो क्या होता है, हीट, हीट का मतलब जो गर्मी होती है वो एक्सचेंज होती है कभी लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड तक. एट द डिफरेंट डेप्थ ऑफ द ओशन. और इन धाराओं से डिफरेंट डेप्थ ऑफ द ओशन, समुद्र की जो गहराई है हर गहराई में ये ऊपर नीचे जाती रहती है. ओशन करेंट मूव स्विफ्टली विद द स्पीड ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वाटर वेरिंग फ्रॉम द 3 to 10 किलोमीटर पर आवर. ओशन के जो करंट है, ये महासागर की जो धाराएं हैं, ये स्विफ्टली बहुत ही तेजी से चलती हैं स्पीड में. और इनके स्पीड का, इनका रफ्तार कैसे होता है, 3 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में उनकी रफ्तार बताई जाती है. एट द सम प्लेसेस द सरफेस वाटर मूव्स एट द स्लोअर स्पीड. कुछ जगह पर ये सतह का पानी बहुत धीरे धीरे चलता है. ब्रॉड लो मूविंग मासेस ऑफ द वाटर आर कॉल्ड ड्रिफ्ट. ब्रॉड बहुत चौड़ाई में, लो मूविंग धीरे धीरे पानी जो सरकता रहता है चलता है उसे हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट. द ओशन करेंट्स कैन दैट कैरी वार्म वाटर फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन टूवर्ड द पोलर रीजन आर द वार्म करेंट. और ओशन करेंट जो समुद्र की धाराएं हैं वो गर्म पानी को कैरी क्या करती है, गर्म पानी को इक्वेटोरियल रीजन में. मैंने अभी आपको बताया इक्वेटर 0 डिग्री पर समुद्र में और या धरती पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं इसलिए वहाँ का पानी ज़्यादा गर्म रहता है. ये पानी जब पोलर रीजन की तरफ जाता है तो ये वार्म करंट को ले जाता है. द करंट दैट कैरी कोल्ड वाटर फ्रॉम द पोलर रीजन टूवर्ड द इक्वेटोरियल रीजन आर द कोल्ड करंट. इक्वेटर से पोलर की तरफ जो पानी जाता है, गर्म पानी जाता है उसे कहते हैं वार्म करंट. और पोलर रीजन से या ध्रुवीय क्षेत्र से जो पानी घूम के फिर इक्वेटर की तरफ आता है उसे हम लोग कहते हैं कोल्ड करंट, ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं. इफेक्ट ऑफ द ओशन करंट. ओशन करंट
समुद्र की धाराओं का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव है। ओशन करेंट्स एक्सरसाइज द ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द कोस्टल एरिया। समुद्र तटीय क्षेत्र में जो ओशन करेंट है, समुद्र की धाराएं हैं, वो बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। किस पर? क्लाइमेट, जलवायु पर, और उसकी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी होती हैं। उसका एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक भी एक उसका इम्पोर्टेंस है। वो क्या है सम ऑफ अंडर आर एज अंडर कुछ चीज़ें कौन कौन सी है वो हम पढ़ते हैं। ओशन करेंट्स इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर ओवर द ग्लोब। पूरे संसार में ये समुद्र की धाराएं अपना प्रभाव छोड़ती हैं, प्रभावित करती हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर, पूरे संसार के टेम्परेचर को, यानी कि तापमान को प्रभावित करती हैं। द वार्म एंड द कोल्ड करेंट इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल एरिया। समुद्र तटीय मैदान में जो गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं जो होती हैं वो टेम्परेचर को बढ़ाती घटाती रहती हैं। वार्म करेंट इंक्रीज द मॉइस्चर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द विंड व्हाइल द कोल्ड करेंट डिक्रीजेस द सेम। वार्म करेंट जो गर्म जल की धाराएं हैं वे हवा जो होती है पवन की कैपेसिटी को, उसमें जितना मॉइस्चर है उसकी आर्द्रता को बढ़ा देती हैं, और जबकि जो कोल्ड करेंट है जो ठंडी जल की धाराएं हैं वो उसको कम कर देती हैं, मॉइस्चर को कम करा देती हैं। ड्रिजल्ट आर मोस्टली फाउंड अलोंग द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट। जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने भी महादेश हैं, उसके वेस्टर्न साइड में, उसके पश्चिमी साइड में ड्रिजल्ट पाए जाते हैं अलॉन्ग विथ कोल्ड करेंट फ्लो, जहाँ से ये कोल्ड करेंट ठंडी जल की धाराएँ बहती हैं। ओशन करेंट्स इन्फ्लुएंस द नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब होता है पानी में नाव का चलना, नाव का चलने को पानी में उसको नेविगेशन कहते हैं। तो ओशन करेंट जो होती है ये नाव के चलने को इन्फ्लुएंस करती है, यानी कि इसको प्रभावित करती है। शिप सेलिंग अलोंग द करेंट विल सेल फास्टर। अगर समुद्र की धाराओं के साथ साथ शिप चलती है, कोई जहाज चलता है, तो वो तेज चलेगा एंड सेव टाइम एंड फ्यूल। इससे वो जल्दी जल्दी चलेगा, जैसे धाराएं हैं उसी की धारा के ही अनुरूप अगर चलता है तो शिप की स्पीड बढ़ जाती है, साथ में उसको फ्यूल भी कम लगता है, टाइम भी सेव होता है और फ्यूल भी, ईंधन भी कम लगता है। अगर जैसे और उसके धारा के प्रतिकूल अगर चलेगा, धारे की उल्टी दिशा में अगर चलेगा, तो क्या होता है धाराएं जो हैं वो शिप को आगे बढ़ने से रोकती हैं। वार्म करंट आल्सो हेल्प टू मेल्ट आइसबर्ग। आइसबर्ग होता है, आपने देखा होगा कि समुद्र में बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग, आइसबर्ग का मतलब होता है आइस की चट्टाने, बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानों को वार्म करंट पिघला देता है। विच आर द पोटेंशियल डेंजर टू द शिप। सब जानते हैं कि आइसबर्ग से शिप को, जहाज को बहुत बड़ी क्षति पहुंचती है, शिप टूट फूट जाता है। अगर आइसबर्ग बहुत बड़ा आइसबर्ग है उससे अगर शिप टकरा जाता है तो उससे वो क्षति पहुंच जाता है। तो वार्म करंट क्या करता है, उस आइसबर्ग को पिघला देता है। बहुत सुंदर एक चित्रण है, अगर आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी, टाइटेनिक पिक्चर आपने देखा होगा, तो उसमें देखा गया है कि बहुत बड़ा सा आइसबर्ग है जो सबसे बड़े टाइटेनिक जहाज को 1920 में जो टाइटेनिक जहाज बना हुआ था, सबसे बड़े जहाज को उसने, आइसबर्ग ने तोड़ फोड़ दिया था। इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर में ओशन करेंट्स के बारे में, वेव्स के बारे में, टाइड्स के बारे में पढ़ा। MCQs ऑफ दिस लेसन। द वाटर साइकिल इज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ एंड द एटमोस्फियर। द डेड सी इन एशिया हैज ए हाईएस्ट सैलिनिटी। ओशन वाटर इज सलाइन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द डिजॉल्व्ड सॉल्ट। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड द टफ इज कॉल्ड द वेव हाइट। सुनामी इज अ जापानीज वर्ड दैट मीन्स द हार्बर वेव्स एज द हार्बर गेट डिस्ट्रॉयड वेन एवर देयर इज सुनामी। द ओशन करेंट मूव स्वीटली विद द स्पीड ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वॉटर वेरिंग फ्रॉम 3 to 10 किलोमीटर। True false, the presence of the water is unique feature of the earth. True, ocean make up 90% of the earth's surface and the connected with one another. False,
rays of the sun do not fall equally all over the earth. True, when the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called tide falls. Fishing boats are subject to the rise and fall to the of the tidal waters. True. Match the following: water cycle, continuous flow of water, ocean, 97% of the earth's water, Dead Sea in Asia has the highest salinity, tsunami, harbor waves, tides alternate rise and fall in the sea level. Here is the question answer in brief. What does the hydrosphere induce? The watery part of the earth is called the hydrosphere. It is also include the ice sheets in the polar and the high mountain regions, underground water and the water vapor in the air. Why is ocean water saline? Ocean water is saline due to the presence of the large amount of the dissolved salt. Most of it is sodium chloride and common salt. What are the waves? When the water on the surface of the ocean rise and falls alternatively are called the waves. The ocean and the sea waves are generally generated by the force of the blowing wind. What is wave period? The time taken by the two consecutive crests to pass any fixed point is called the wave period. What is spring tide? The moon and the sun exert their combined gravitational pull in the same direction, resulting in the extra high tides. These are known as the spring tides. Answers in detail. Explain the water cycle in detail. Water cycle is the continuous flow of the water between the earth and the atmosphere. In this cycle, water moves from the land and ocean to the atmosphere as the water vapor and return as the precipitation. These processes involved in the water cycle are evaporation, condensation, precipitation and runoff. Water evaporates on the heating and the changes into the water vapor up in the air on cooling water vapor. Condenses, changes back, condenses changes back to its liquid state and forms cloud. Cloud particles fall back to the earth as the precipitation. What is the importance of the tide? Tides have great commercial importance for the fishing and the shipping industry. Heavy freighters can enter the shallow port only at the high tide. Tidal energy can be harnessed during the high tide. What are the ocean currents? Also write the effect of the ocean current. Streams of the ocean current constantly flowing in the definite directions are called the ocean currents. Ocean currents move within the ocean can be horizontal or vertical. Effect of the ocean current. Ocean current has a great influence on the climate and the economic activities of the coastal areas. Ocean currents influence the distribution of the temperature over the globe. Ocean current influences the navigation and warm currents melt iceberg in the ocean. Thank you, students.